वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और ये पेज नंबर 66 है आपका। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक and eukaryotic cells, ठीक है। तो prokaryotic और eukaryotic cells जो हैं, prokaryotes जो है वो उसमें क्या है, prokaryotes जो है वो simpler है eukaryotic cells से। prokaryote और eukaryote ये single cell body है और ये मल्टी सेल है, ठीक है। ये सिंगल सेल है और वो मल्टी सेल है। मेन डिफरेंस इसमें किस चीज का है, न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नॉट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट एक फिक्स शेप नहीं है उसकी, शेपलेस होगा। जबकि यूकैरियोट में जो है वो क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस एक प्रॉपर शेप का है कि जिसमें क्या क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है, ठीक है। डीएनए उसके अंदर मौजूद है जो कि कहाँ पे फ्लोट कर रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस क्रोमोसोम जो है वो उसके अंदर मौजूद है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम मौजूद है और वो क्रोमोसोम किसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरे ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे जिसका जो इंडिविजुअली कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है जिनके बारे में अभी आपने पीछे पढ़ा, गॉल्जी बॉडीज हैं एक्सेट्रा, ठीक है। ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं जो कि डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में जो है वो यहाँ पे ये सारे ऑर्गेनल्स बेसिकली कौन से हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, इनकी एक प्रॉपर शेप की मेम्ब्रेन है। जबकि इसमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है इसमें, इसके अंदर कोई इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। राइबोसोम इसका, राइबोसोम जो है लार्ज है जो कि प्रोटीन मेकिंग ऑर्गन है, यहाँ पे राइबोसोम जो है इसके स्मॉल हैं, ठीक है। साइज जो है वो यूकैरियोटिक सेल का, ये लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज सेल, ठीक है, और ये है स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज है। सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो है वो, इधर सेल वॉल जो है वो यूकैरियोटिक सेल की, सेल वॉल इज मेड ऑफ, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज इन हायर प्लांट, इन हायर प्लांट, हायर प्लांट में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है। और इसके अलावा काइटन फंजाई में जो सेल वॉल है वो कौन सी है, फंजाई वॉल जो है वो, वॉल ऑफ सेल जो है वो काइटन है, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के जो वो सेल वॉल, इधर जो वो सेल वॉल है, सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, यानी कि लार्ज पॉलीमर। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एंड
ग्लूकोज, ठीक है, शुगर ग्लूकोज के ये जो है ना पॉलीमर से मिलके बनी हुई है. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में तो सिर्फ 3 मार्क्स का आएगा. और इसमें जो क्वेश्चन है सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज न्यूक्लियोइड, व्हाट इज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या है. तो न्यूक्लियस वाला जो टॉपिक है आपका उसमें लिखा हुआ है 3rd लाइन, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर द सेंटर, द रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है, इन द यूकैरियोटिक सेल. व्हाट इज न्यूक्लियोइड इन यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस वाला जो टॉपिक है इसका उसकी 3rd लाइन, ठीक है, द क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर सेंटर, रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज टॉपिक. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.